और ये कुल उनके द्वारा यानी यति जी के द्वारा किया गया खर्चा है 18,55,000 रूपये। यह तो है खर्चे का हिस्सा, किंतु त्यागी जी का कहना कि 18 चैनलों से जो त्यागी जी के नाम पर बिना उनको बताए वसूला जा रहा था, जो कि करोड़ों में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है मोहम्मद असरार ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, मैं इस चैनल के खासकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक बहुत बड़ी और विस्फोटक खबर पहुंचाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साधु संत के लोग अपने आपस में लड़ गए, गाली गलौज कर रहे हैं, पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम ज़रा खुलकर इसी वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, जो साधु संत ने जो एक धर्म संसद चला रहा था, जिसमें यति नरसिंहानंद जो है वो उसका मुख्य रूप से जो पैसा इकट्ठा कर रहा था, पैसे को जमा कर रहा था, दोस्तों उसका भंडा फूट चुका है। आखिर वो यति नरसिंहानंद जो हैं वो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहा था? दोस्तों, आप जानते हैं कि वसीम रिजवी जो एक मुसलमान था और वो हिंदू होने के बाद उसका नाम जो है जितेंद्र नारायण त्यागी रख दिया गया था। दोस्तों, जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम पर ही ये करोड़ों रुपया उठाया जा रहा था और धर्म संसद को चलाया जा रहा था। दोस्तों, जब वसीम रिजवी को जेल होता है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, दोस्तों उनको छुड़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई से या फिर उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपया जो है लोगों से उठाया जाता है और उसको बचाने के पीछे केवल 18 से 19 लाख रुपया ही खर्च किया जाता है। दोस्तों, यति नरसिंहानंद जो है वो बहुत ये सब काम जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। दोस्तों, ये खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़कर समझ भी सकते हैं। अंश सागर सिंधु महाराज एंड यति नरसिंहानंद टुगेदर मेड जेनोशियल कॉल्स अगेंस्ट मुस्लिम एंड हरिद्वार। नाउ सागर सिंधु सेज दैट जितेंद्र नारायण त्यागी टोल्ड हिम दैट यति हेल्प्ड हिम विद जस्ट रेस 18.55 लाख, यानी कि केवल 18,55,000 रुपया ही ये जो है जितेंद्र नारायण त्यागी जो कि रसीम रिजवी हैं उनको जो है बचाने के लिए ये पैसा खर्च किया गया है। और उसके बाद जितने पैसा बचे हैं वो सब के सब जो यति नरसिंहानंद जो हैं एक साधु हैं, ये जो है महंत है, ये सारा का सारा पैसा अपना पेट में ये रख लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और ये कुल उनके द्वारा यानी यति जी के द्वारा किया गया खर्चा है 18,55,000 रूपये। यह तो है खर्चे का हिस्सा, किंतु त्यागी जी का कहना कि 18 चैनलों से जो त्यागी जी के नाम पर बिना उनको बताए वसूला जा रहा था, जो कि करोड़ों में है। जी हाँ, तो आपने देख लिया कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाकर जो है अपनी पेट को पाला जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के नई सरे रिपोर्ट को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के साथ आपको कैसा लगा है कि जो साधु संत हैं ये लोग अपने आपस में लड़ चुके हैं और वो भी लड़ इसलिए रहे हैं कि किसी के नाम पर पैसा उठाया जा रहा था और उस पैसे को उसके पीछे खर्च ना करते हुए सब अपने पास बैंक बैलेंस करके रख दिया। और फिर जो दोस्तों यही यति नरसिंहानंद जो है वो आपको हमें पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक खबर ज़रूर पहुँचाया था कि यति नरसिंहानंद जो है वो अब जो है जितेंद्र नारायण त्यागी से किनारा कशी कस रहा है, कट कर रहा है, यानी कि उसके साइड से ये भाग रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। इस तरह के नई समय रिपोर्ट को पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द इसी तरह के एक नई रिपोर्ट लेकर। जय हिंद, खुदा हाफिज़।